केसरी तेवाहर, विमल बोलो जुबान केसरी। MCU देखा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखा, स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स देखा है, कॉप सिनेमैटिक यूनिवर्स देखा बॉलीवुड में, लेकिन ये विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स ये तो अलग लेवल पे पहुंच चुका है भाई। पहले तो थे अजय देवगन ही काफी थे, विमल बोलो जुबा केसरी जो है अलग अलग वर्जन जुबा केसरी करते करते पूरे भारत में फैले हुए थे। उसके साथ साथ शाहरुख खान भी जुड़ गए इसमें। चलो इन लोगों का बजट बहुत बड़ा बढ़ गया, शाहरुख खान को भी लिया है, वो तो छोड़ो भाई। अक्षय कुमार आ गए, इतना ट्रोल हुए, लेकिन फिर भी विमल बेचने अक्षय कुमार भी आ गए, जो कि पैड बेचते थे, जो बोलते थे फू फू करने में नहीं ये देने में है, वो बाद में थू थू करने लगे। तो इस प्रकार से विमल सिनेमेटिक्स में अक्षय कुमार खिलाड़ी भी आ गए, चलो वो भी चलो। उसके बाद भाई यही नहीं रुक रहा है, अब यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री हो चुकी है, मतलब अलग लेवल पे चल रहा है भाई। विमल वालों का तो अलग ही स्वैग है, कि अलग ही बजट है इन लोगों का, कि पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को अंबानी तो फीका पड़ जा रहे हैं, अंबानी नचवा रहे हैं बॉलीवुड को बुला के, बॉलीवुड स्टार को बुला के, खान्स को बुला के नचवा रहे हैं। तो विमल वाले तो अलग लेवल पे खेल रहे हैं भाई, पूरा बॉलीवुड सिनेमेटिक यूनिवर्स यही खड़ा कर रहे हैं, कहाँ हिस्ट्री, कहाँ क्रॉप, कहाँ आपका यूनिवर्स देख रहे हैं। सबसे बड़ा यूनिवर्स तो विमल यूनिवर्स बन चुका है, जहाँ पे अब टाइगर श्रॉफ भी रजनीगंधा छोड़ के क्या कर रहे हैं, वो विमल बेचने आ गए हैं। उनके साथ साथ ये एक्ट्रेस आई हैं, इनका नाम मेरे को उतना याद नहीं आ रहा, कि ये भी आ गई। मतलब भाई विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स अलग लेवल पे जा रहा है। चलिए सार्केज्म मजाक मस्ती की बात अलग हो चुकी, अगर रियलिटी पे बात करें तो ये कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है बॉलीवुड, या फिर घटिया इतने एड्स कहाँ से कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं अक्षय कुमार का साथ दे रहा हूँ। अच्छा, अक्षय कुमार तो खुद फर्जी हो चुकी विमल में आके, तो ये लोग क्या बोलते हैं अभी आके, इन लोग छोटे मियाँ बड़े मियाँ बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे थे कि फिटनेस ये होता, अक्षय कुमार बोल रहे थे मेरे लिए सहायक जो पार्टनर है, फिर मेरे लेवल का वो टाइगर श्रॉफ ही है, फिटनेस इधर से उधर, शुद्ध शाकाहारी है, फिर जो भी बोले आप फिटनेस लेवल में, या फिर जो है चुस्ती तंदुरुस्ती है फिटनेस में। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, यही फिटनेस गोल दे रहे हो विमल खाने का। विमल किसके नाम से बेचते हैं, केसर के नाम से बेचते हैं, पान मसाला गुटखा को बेचते हैं, जो कि कैंसर का कारण बनता है। इधर विमल में पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे, उधर भाई अकेले राजश्री को संभाल रहे हैं, और फिर हमारे अनु कपूर तो हैं ही, फिर स्वाद में सोच है। ये बेटियां हैं, और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती बल्कि वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी कल की माँ है, और माँ केवल पूजनीय होती है। राजश्री पान मसाला इनका देख ही लो फिर, एड इनका एड तो अलग ही चलता है, राजश्री का स्वाद में सोच है कहाँ से कहाँ निकाल देते हैं। तो भाई बॉलीवुड वालों को कहे या फिर मीडिया को कहे, कहाँ जा रहा है यार इन लोग। मतलब ऐसे कि उदाहरण के लिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेते हैं भाई, इन्होंने थोड़ा बहुत ट्रोल क्या कर दिया कुछ लोगों को, तो इनको तो रोस्ट कर करके मीम पेजेस वालों ने वायरल ही कर दिया। अब हालांकि पॉजिटिव व्यू आ रहा है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुपर डुपर स्टार कार में घूमते हैं, सुपर डुपर स्टार जो विमल खाते हैं, जो गंदी सलाह देते हैं शराब पीने का, उनको आप लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक बाबा जो गाड़ी में घूमता तो आप उनको रोस्ट करते हो, उनको सुनाते हो, अपनी जगह वो भी सही है। लेकिन ये राधे राधे जपने से क्या, राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, तुम्हारा बाप हाथ डाल के खावाता था। आप सच में अपने आइकन मानते, फिटनेस आइकन बोलते हैं अपने आप को टाइगर श्रॉफ। इसके अलावा देखिए अक्षय कुमार तो अपने आप फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, अपने रूटीन के लेडी वर्क के, लेकिन भाई पैसों के लिए इतना भी मत गिर जाओ ना यार। आपके पास अच्छा खासा बजट है, आप कोई भूखे नहीं मर रहे हैं कि आपको ऐसी घटिया चीज़ें ऐड करना पड़े, ये जो है बहुत ज़्यादा घटिया होता है। और इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साउथ कैरेक्टर को अच्छे, महेश बाबू भी इसका ऐड करते हैं, वो भी बिल्कुल घटिया चीज़ है। सौरव गांगुली जो है आपके, कपिल देव, क्रिस गेल ऐड कर रहे हैं भाई इसका, रजनीगंधा का, पान बहार का, क्या क्या ऐड कर रहे हैं। तो सोचो इतनी घटिया चीज़, आप फैशन आइकन है फिर मॉडल नहीं हो, आप जो है इन्फ्लुएंसर्स हो, रियल इन्फ्लुएंसर जो कि जो है इफेक्ट करता है लोगों की लाइफ पे। भारतीय यूथ, भारतीय युवा आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, और खासकर जो फिटनेस का ज्ञान देने वाले, पेलने वाले हैं ना, उन लोग को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट उठाना है करोड़ों का, विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है, इस चीज़ को देख के समय वीडियो बनाने का मेरे इसलिए मन कर दिया, क्योंकि भाई हो क्या रहा है, विमल वालों का बजट तो अलग ही लेवल का पहुंचता जा रहा है। इधर इंडियन यूथ जो है नशे से परेशान है, रील्स के कल्चर से परेशान है, टेंशन से परेशान है, करियर टेंशन से परेशान है। तो इन लोगों को पंचायत अलग करना है, कि नया कैंसर पैदा करने के लिए इन लोग विमल निकाल दिए हैं, उसको खाओ। और एड्स में ऐसे ऐसे एक्ट्रेस को बुला रहे हैं, एक्टर्स को बुला रहे हैं, जो कि कहीं दूर दूर से इन लोग का विमल से रिलेशन नहीं है, और ये और इन लोग को देख रहे। अजय देवगन को लेते समझ में आता है, अजय देवगन को सब रोस्ट करते हैं, विमल खाते होंगे, वो दिखते भी हैं खाने वाले हैं, लेकिन बात वही है, बाकी सब लोग को अगर ले रहे हो उनमें उठा उठा के डाल रहे हो, जो कि अपना फिटनेस आइकन बोलते हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा यार। और इन लोग को भी आप फॉलो करते हैं, इंडियन न्यूज़ जो कि इन लोग को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मानता है, अपना जो मार्गदर्शक मानता है, तो सोचो कहाँ जाएगा इंडियन न्यूज़ फिर इन लोग को देख के।
ये बॉलीवुड वाले वही है जो कि ज्ञान पेलते थे कि नशे से दूर रहो या फिर जो है आप जो है दूध जो है वेस्ट मत करो, भगवान चढ़ा के गरीबों को बांटो। अब जनता ने इन लोग के औकात दिखा दी कि जो है हम गरीबों को दूध बांटेंगे भी और आपकी मूवी को जो है उसका पैसा 200 रुपये बचा के दूध भी बांट लेंगे और गरीबों को खाना भी खिला देंगे, दोनों काम हो जाएगा। तब इन लोग की फटी पड़ी है क्योंकि फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं। अक्षय कुमार को ही देख लीजिए, इतने सारे फ्लॉप हो रहे हैं फिर भी सर जी का एटीट्यूड कमी नहीं हो रहा है। अब इन लोग को क्या ही बोले, ऐड कर रहे हैं पैसे के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, जमीन इमार बेच दे रहे हैं और बाद में इन लोग बोलेंगे कि जनता हमें जो ट्रोल करी है तो कैसे नहीं करेगी। सोशल मीडिया भाई आपका छोटे से छोटे बयान भी खोज खोज के निकाले जाएंगे और आपको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सिद्धांत से आपको जो है रोस्ट किया जाएगा, ट्रोल किया जाएगा। बॉलीवुड वाले झेल ही रहे हैं लेकिन कब सुधरेंगे भाई इन लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ी होगी, आप जो है किसी भी जो है सरकाजम को जो है मजाक अपने ऊपर हो रहा है उसको जो है अपने ऊपर मजाक करते हुए भी जो है उसको जो है पॉजिटिव में ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बॉलीवुड जो है पूरे ऑल इंडिया में जो है चलता है, पूरा वर्ल्ड जो है आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो आपको ऐसे कल्चर को जो है छोड़ना चाहिए। इंडियन इन्फ्लुएंसर हो आप, जो है यूथ को इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको कुछ अच्छा ऐड करना चाहिए और अच्छे चीज़ों को ही जो प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आप लोग वही कर रहे हो कि घटिया से घटिया चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि आपके पास कोई कमी हुई ऐड की या फिर आपके पास कोई जो है फेम की कमी होगी जो कि आपको इतना घटिया ऐड करना पड़ जा रहा है। बाकी जिसको जो ऐड करना है वो कर सकता है, जिसको जो मानना है, जिसको स्टार मानना है, फैन बनना है, जिसका बन सकता है। हमारा तो ये कहना था कि आखिर विमल वालों के पास इतना बजट कहाँ से आ रहा है जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को साइन कर रहे हैं। बाकी ये जो है एक सार्काज्म टाइप का वीडियो था, हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है बड़े बड़े जो है जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, बाबा लोग हैं, फिर कोई लोग जो कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं सब मत खाओ करके, उनको आप ट्रोल करते हो कि बाबा जो है बनना बिजनेस है, तो आप ही बन के दिखा लो ना भाई, आप इतने माताओं का सेवा करके दिखा लो या फिर आप ही जो है सनातन धर्म के बारे में खुला बोल के दिखा लो। आप तो दूसरे दिन आप नज़र भी नहीं आओगे क्योंकि समझ रहे हो ना किस प्रकार से सोसाइटी काम करता है, किस प्रकार से जो है जो सोशल मीडिया कल्चर काम करता है। तो ये सब करना बहुत साधारण सी बात नहीं है, ये ट्रोल करना, किसी को मजाक उड़ाना, ये तो बहुत आम बात है, लेकिन सच में स्ट्रगल कर कुछ उखाड़ना ये बहुत मुश्किल होता है भाई। बाकी ये ज़्यादा मोटिवेशन की बात तो करेंगे नहीं, तो ये विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं। बाकी ट्रोल कीजिए हमारे विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स को, फिर इसके बारे में क्या कहने का उनको जाएगा। अपना मत अवश्य रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।